अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है जी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। तो जी आज हम आए थे अपनी आई साइट चेक करवाने। तो यहाँ पे जी अहमद बैठा हुआ है, उसकी बारी थी तो डॉक्टर साहब अभी गए हुए थे दूसरे पेशेंट को देखने। तो यहाँ पर मैं उसकी वीडियो ले रही थी, उसको कह रही थी ज़रा सही से बैठो। तो वो यहाँ पे अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। तो हम तीनों ने, मैंने, अम्मी ने और अहमद तीनों ने नज़र टेस्ट करवानी थी। और अम्मी की थोड़ी सी वीक हुई हुई थी, अम्मी की नज़दीक की वीक है तो और ज़्यादा थोड़ी नज़दीक का नंबर बढ़ गया था। और मेरी थोड़ी ठीक थी और बस पट्ठों के लिए आके जो पट्ठे होते हैं ना वो ज़रा वीक थे, तो डॉक्टर ने वो ज़रा सीरप लिख के दिया। तो अहमद को भी डॉक्टर ने सप्लीमेंट लिख के दिया है के लिए, और कुछ ड्रॉप लिख के दिए कि आप यूज़ करो, अपनी डाइट ठीक रखो क्योंकि डाइट बड़ा मैटर करती है। आप वीक हो बहुत, उस वजह से फिर आपके आई साइड वीक हो जाती हैं ज़्यादा। तो कुछ इंस्ट्रक्शन दिए डॉक्टर ने कि ये आप फॉलो करो। तो जी आप लोग सुनाएं कैसे? और यहाँ पे जी ये कपड़े हैं, ये कितने दिनों से पेंडिंग पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि आज इनको भी तय लगा ली जाए। तो अभी दोपहर का टाइम है, शाम का टाइम है, मैंने खाना नहीं खाया तो मैंने सोचा मैं वीडियो की वॉइस ओवर कर लूं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैंने वीडियो ही अपलोड नहीं की, बहुत बिज़ी थे तो उस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो सकी। तो कोशिश मेरी यही होती है कि मैं रोज़ाना वीडियो अपलोड करूं, लेकिन फिर कुछ ना कुछ बीच में काम आ जाता। आजकल हम बहुत ज़्यादा बिज़ी हुए हैं तो कुछ शायद हमारा चक्कर भी लगे दूसरे सिटी में, तो यही बस इन्हीं चीज़ों में मसरूफ़ हैं। तो बस आप लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारे काम में आसानी पैदा करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल गुजर रहा है। तो बस दुआ कीजिएगा। तो यहाँ पे जी हम बना रहे हैं आज कद्दू दाल। आज हमने नहीं था बनाई, ये दो दिन पहले का क्लिप है, असल में दो दिन पहले का क्लिप है, लेकिन वॉइस ओवर अभी मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे कद्दू दाल बन रहा है, ये मसाला भुना जा रहा है, और एक तरफ बन रहा है जी कीमा, भुना हुआ कीमा वो बन रहा है जी अहमद के लिए, और मैं खाऊँगी थोड़ा सा। मैं थोड़ी ही खाती हूँ, ज़्यादा मुझसे खा ही नहीं जाता। तो यहाँ पे कीमा बन रहा है क्योंकि मैं खाती हूँ कीमा मटर आलू, और अहमद खाता है सिर्फ हाली भुना हुआ कीमा। तो फिर अम्मी सिर्फ कीमा ही बना लेती हैं कि अहमद तो कम से कम खाएगा, क्योंकि उसका ज़रा हम रखते हैं डाइट का ख्याल, क्योंकि डॉक्टर ने हास कहा कि इसकी ज़रा डाइट का ख्याल रखें, तो ये बहुत वीक है, तो इसलिए हम अम्मी उसके लिए हास बना रही हैं। तो मैं कहती हूँ अम्मी आप कीमा ही हाली बनाएं, मटर आलू ना डालें, फिर इस तरह टेस्ट चेंज हो जाता तो अहमद को मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे छोटी देगची में तो कीमा बन रहा है। तो यहाँ पे जी कद्दू दाल बन रहा है, और यहाँ पे हमने ऑयल ऐड कर दिया, अभी गर्म मसाला ऐड किया। तो मसाले को अच्छे से भुनेंगे, मसाला वही जी लहसुन प्याज और टमाटर, लाल मिर्च, नमक, हल्दी डाल के इसको प्रेशर चढ़ाया कर मसाले को, और अभी ऑयल डाल के गर्म मसाला डाल के इसको भून रहे हैं। और अभी इसमें कद्दू डालेंगे, दाल ऐड करेंगे और 20 से 25 मिनट फिर प्रेशर चढ़ा देंगे। कुछ लोग होते हैं वैसे ही पकाते हैं, प्रेशर नहीं चढ़ाते, लेकिन हम ज़रा प्रेशर चढ़ा लेते हैं क्योंकि ज़रा जल्दी चीज़ पक जाए। आजकल जो जैसी दालें आ रही हैं ना और जैसी सब्ज़ी आ रही है, वो प्रेशर के बगैर घंटा दो घंटे आप बैठे रहो, आप पाए उससे जल्दी पक जाएंगे, वो सब्ज़ी नहीं गलेगी। इस तरह की दालें आजकल और सब्ज़ी हो गई हुई है, पता नहीं। हमारे दुआ ये बस अल्लाह ताला खैर रखे हमारे मुल्क में, हर चीज़ ना नंबर दो ही आती है, कुछ भी यहाँ पे नंबर वन कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जी ये कीमा हम पकने के लिए ये ऐसे ही रखेंगे, इसको ऐसे ही पकाएंगे, इसको प्रेशर नहीं चढ़ाना। तो ये नमक, मिर्च, हल्दी अम्मी ने ऐड कर दी है मसाले में, तो अभी इसको पकने के लिए रख देंगे और इसको ऐसे ही पकाएंगे क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है खाने में। तो यहाँ पे जी कद्दू दाल हमारा बन गया, ये आप देख सकते हैं अच्छे से गल गया। ऊपर से हमने धनिया और हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं, और अगर आपके पास पुदीना अगर आपके पास तो वो भी ऐड कर दें, क्योंकि उससे भी बड़ा मज़े का बनता है कद्दू दाल। ऊपर से आप ना धनिया के साथ पुदीना भी ऐड करें। तो मैं तो अक्सर डालती हूँ, लेकिन आजकल ना सब्ज़ी कुछ भी ठीक नहीं मिल रही ना मिले। हमने शलजम मंगवाए थे तो वो भी नहीं थे सही, वो उसको छीला अम्मी ने तो अंदर से सही से वो निकले नहीं, तो वो फेंकने पड़े। और पालक भी नहीं सही मिल रही, गोभी भी नहीं सही मिल रही, असल में सारी फसलें तबाह हो गई हैं ये सैलाब की वजह से। तो उस वजह से कोई भी सब्ज़ी ना ठीक नहीं मिल रही, और बंद गोभी वो भी नहीं मिल रही। तो यहाँ पे जी हमारा कीमा भुन चुका है,
तो अच्छे से भून गया। और ये जी अगले दिन का क्लिप है, यहाँ पे अहमद के आलू बनाए थे हमने, फ्राई आलू, सिर्फ नमक और थोड़ी सी मिर्च डाल के इसको पकाते हैं और फ्राई आलू बन जाते हैं। तो ये थे मेरे आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगेगी।